हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। रेखा 344 में हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की सब्जी। अब किस तरह से हम बनाते हैं सोयाबीन की सब्जी तो आपको बताएंगे, उसमें दिखाएंगे ब्लॉग में पूरा। मतलब लास्ट तक देखना आप लोग, हमारे ब्लॉग को पूरा देखना, कट मत करना। तो जो मेरे चैनल पर नया आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, हम दिखाते हैं। तो ये रहे हैं सोयाबीन, ये पैकेट वाले हैं सोयाबीन, और यही ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। तो इसको पहले हम पानी में भिजाएंगे, इसको फूलने के लिए डाल देंगे। तब तक हम ये जैसे लहसुन है, पहले ये प्याज है और ये लहसुन है, इसको मतलब काट के रेडी कर लेंगे, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये रहे हैं, मैंने कटोरे में पलट लिए हैं सोयाबीन और इसमें डालेंगे पानी। ये अच्छे से फूल जाएंगे तब तक जब तक लहसुन और प्याज रेडी करेंगे काट के, तब तक ये भीग जाएंगे। लहसुन को छील कर रेडी कर रही हूँ, इसको तैयार कर लें, फिर कूट लें इसको। प्याज को कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। प्याज काटते काटते हमारे तो आंसू निकल आए। सोयाबीन हमारे भींज के रेडी हो गए हैं, देखिए फूल गए हैं ये। अब इसको निचोड़ेंगे क्योंकि इसमें पानी भरा है, अगर ऐसे ही रखेंगे तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। इसको निचोड़ेंगे तब अच्छी बनेगी। इन्हें छोड़ के हमने रेडी कर लिए हैं। यह काफ़ी छोटे लगने लगे क्योंकि इसमें तो पानी निकाल दिया है, तो अब अच्छे बनेंगे। हमारी लहसुन और प्याज दोनों चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। ये है सोयाबीन, ये भी रेडी कर लिया है। अब गरम करेंगे तेल। तो तेल गरम हो गया है कढ़ाई में। अब डालेंगे हम लहसुन प्याज पहले डालेंगे, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग जो होते हैं ना सोयाबीन को पहले तलवाते हैं तेल में, उसके बाद में है, तो हम इसको नहीं तलेंगे तेल में। मतलब तल के खाओ तो भी अच्छे लगते हैं, तो हम लहसुन प्याज पहले डालते हैं, उसके बाद में डालेंगे सोयाबीन। लहसुन प्याज रेडी हो गया बनके, अब डालेंगे इसमें सोयाबीन, क्योंकि इसको भी कुछ देर तलेंगे तो अच्छा बन जाएगा, इसको भी अच्छी बन जाएगी। सोयाबीन भी रेडी हो गए हैं तल के, अब डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद में पानी डालेंगे।
पानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगाना है क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं। ज़्यादा पानी की मात्रा रहेगी तो टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा उसका। सोयाबीन की सब्जी बना के रेडी कर दी है, इसमें धनिया भी डाल दी है। तो किस किस को पसंद है सोयाबीन की सब्जी कमेंट में बताना, और वो रेडी कर लिए तैयार है तो कमेंट में बताना आप लोग।